ये ले लिया हमने बाजू के लिए कपड़ा, फोर फोल्ड हमने इसको करके रख लिया है इस तरीके से। बंद हिस्सा है हमारा बाहर की तरफ, और ये जो खुला हिस्सा है इसको हमने अपनी तरफ रख लिया है। अब हमें बाजू की इसमें से तैयार लेंथ कितनी रखनी है, ये हमने लिया है 16 इंच कपड़ा, 15 इंच हमें तैयार इसकी लेंथ रखनी है। हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर से। 2 इंच की हम इसमें डिजाइन की पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, जो मैं आपको सिलाई करते हुए दिखाऊंगी। पहले हम इसकी नॉर्मल जितनी बाजू की कटिंग होती है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजू में हम आगे चुनट डालेंगे, चुनट हमें जितनी डालनी है उस हिसाब से इसमें हम कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। 5 इंच की हमें मोरी तैयार रखनी है, 5 इंच की हमें मोरी तैयार रखनी है। 3.5 इंच कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम इसमें चुनट डाल के पट्टी फोल्ड करेंगे। मुड्डा हमें इसका तैयार रखना है 8.5 इंच। नीचे से हमें गोलाई रखनी है मुड्डे की, पौनी बाजू की जब भी हम गोलाई करते हैं तो 3 इंच पर गोलाई करते हैं। ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम बाजू की गोलाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस तरीके से बाजू की कटिंग करते हैं तो हमारी परफेक्ट कटिंग बैठती है। अगर हम इस तरीके से बाजू की गोलाई करेंगे तो इसमें हमारी बाजू की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बाजू की गोलाई करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे बाजू की गोलाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2.5 इंच से करना। तो 8.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया था। इस तरीके से हम बाजू के निशान लगा लेंगे। ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। अब इसमें आर्म होल की कटिंग जब करते हैं तो पहले मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। यहाँ से ही हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, 2.5 इंच से ही स्टार्ट करनी है। 1.5 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाना है, जहाँ तक हमारा मुड्डा तैयार है। जैसे कि हमारा तैयार मुड्डा है 8.5 इंच, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। और यहाँ से जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ तक ही हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। नीचे हम 2 उंगलियाँ रखेंगे इस तरीके से कि नीचे जो हमारी 2 लेयर हैं उनके बीच में हम 2 उंगलियाँ रखेंगे, और इस तरीके से करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। इसे ऊपर हमें नहीं लेके जानी है, तो यहाँ तक ये हो जाएगी हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग। नीचे हम छोटा सा कट लगा लेंगे बीच के लिए, सेंटर के लिए। इसी तरीके से ऊपर भी हम सेंटर के लिए एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग।